हेलो भाई, स्वागत है हमारी वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो के अंदर भाई जो कि भाई आई क्यू पैड 2 प्रो लॉन्च हो चुका है, तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या कंटेंट रहने वाला है बॉक्स के अंदर, क्या क्या मिलने वाला, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक रंग का यहाँ पर बॉक्स देखने को मिल जाता है। ऊपर भाई मेंशन किया हुआ है आई क्यू पैड 2 प्रो। तो गाइस यहाँ पर आपको ओपन करते ऊपर ही हमें पैड देखने को मिल जाता है, जो कि भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और अंदर आपको एक जो कि भाई अडप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 66 वोल्ट का यहाँ पर अडप्टर देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर आपको जो चार्जिंग के लिए A2C केबल का ही यूज कर सकते हो इस पैड के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसकी लुक की। लुक यहाँ पर आपको नॉर्मल देखने को मिल जाती है, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर दी हुई है जो कि आई क्यू पैड ने। और गाइस यहाँ पर आपको और बात करें इसकी जो डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले 13 इंच की डिस्प्ले दी हुई है इस पैड की। और IPS LCD स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, 1 बिलियन कलर देखने मिल जाते हैं, 144 का रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और HDR10 देखने को मिल जाता है, और 900 नीट्स की पिक ब्राइटनेस के अंदर आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली है, और साथ में आपको 286 PPI यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर बात करें थिकनेस की, थिकनेस आपको यहाँ पर 6.6 mm की थिकनेस है, और यहाँ पर आपको इसका वेट भी थोड़ा लाइट देखने को मिल जाता है, जैसे भी 679 ग्राम का ये इसका वेट है। फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम बैक देखने को मिल जाती है, और एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक आपको यहाँ पर यूज देखने को नहीं मिलता है। गाइस यहाँ पर कैमरे की बात, कैमरा आपको 13 MP का कैमरा दिया जाए, जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसके अंदर 30 FPS तक की, और यहाँ पर 1080 तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि 30 FPS तक यहाँ पर कर सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का देखा, जो कि 1080 पिक्सल का जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप भी आपको 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर चिपसेट की बात है, चिपसेट यहाँ पर MediaTek Dimensity 9300+ का यहाँ पर यूज किया गया, जो कि 4 नैनोमीटर पर चलती है। कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी आपको Wi-Fi 7 का वर्जन देखने को, Bluetooth 5.4 का दिया, NFC देखने को मिल जाती है, USB Type-C 3.2 का वर्जन यहाँ पर देखने जाए, OTG देखने को मिल जाती है, मैग्नेटिक कनेक्टर यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है इस पैड के अंदर। और गाइस यहाँ पर बात करें सेंसर की, तो सेंसर आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, ये सेंसर यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। और बैटरी की बात करें, बैटरी यहाँ पर 11500 mAh की बैटरी, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 66 वोल्ट की वायर चार्जिंग के साथ PD चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 5 वोल्ट का रिवर्स वायर चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और इसमें कलर की बात, कलर आपको ग्रे, ब्लू, सिल्वर, ये कलर यहाँ पर पैड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं प्राइस बताने वाला हूँ, तो इसकी प्राइस रहने वाली चाइनीज युआन के अंदर इसकी आपको 3,399 रुपया आपको देने होंगे, जो कि भाई इंडिया के बनते हैं यहाँ पर 39,000 रुपये, जो कि इसका वेरिएंट है 8+256 GB वाला वेरिएंट है। वहीं पर आपको 12+256 GB वाला वेरिएंट के आपको देने होंगे 3699 युआन, वहीं पर कन्वर्ट करते तो इंडियन रुपीज के अंदर 42,000 रुपये आपको देने होंगे। और वहीं पर तीसरा वेरिएंट की बात करें, तीसरा वेरिएंट आपको 16+512 GB वाला वेरिएंट है, जो कि भैया आपको देने होंगे 4,099 युआन, और इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपये 47,000 रुपये तक का ये बनता है। तो गाइस इसकी ये सब कुछ प्राइस, ये जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको ये पैड कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी जरूरी सूचना देनी हो वो बता सकते हो, कोई डाउट हो हमें हमसे पूछ सकते हो, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई देंगे। और ये पैड कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हो। जाने से पहले एक लाइक बनता है, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल टेक्निकल N&D, जो कि भी डिटेल में वीडियो लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।